ये कहना चाहते हैं सरकार को कि तीनों कानून काले कानून है उनको वापिस लो और किसानों की उपज का उचित मूल्य दो। न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं हम तो सरकार को सुनना चाहिए वरना सरकार के लिए नुकसान ही है। क्या फायदा है छोटे काश्तकारों का, तो बाजरा 1100 रुपए बिक रहा है, MSP 2100 रुपए है, लिया तो नहीं किसी का 1 kg। और हमारे सीकर में तो MSP पर खरीद होती नहीं है कोई, बिल्कुल 1-2% ही नहीं होती है, व्यापारियों की होती है। ये MSP पर बेचते हैं वही व्यापारी बेचते हैं, सबको पचाती है। MSP पर बेचते तो 200 रुपया बोरी का दो तब MSP पर खरीदते हैं, पूरा फर्जीवाड़ा है यहाँ पर। MSP की गारंटी क्यों नहीं देते हैं? और हमारे तो यहाँ MSP पर खरीद हो रही नहीं है, पूरे देश में 6% से ज़्यादा खरीद नहीं हो रही है, तो 100% खरीद होनी चाहिए MSP पर। पैदा तो किसान करता है, व्यापारी और अन्य तो करता नहीं है, तो इसलिए किसान पैदा करता हो तो उसका संपूर्ण माल खरीदा जाना चाहिए, चाहे जो हो, गेहूँ हो, सरसों हो, चना हो, बाजरा हो। अब बाजरा हमारे यहाँ बिकता है 1100 से 1200, MSP 2100, एक लागत 2000 रुपये आती है बाजरा की, 2 से भी ज़्यादा आती है, नहीं मिलती नहीं है। तो MSP पर खरीदिए तो किसान बची जाए, पर MSP बाजरा की रेट 2100 है, 1200 रुपये बिके रेट है। गारंटी यदि MSP दे रही है तो गारंटी दे पा, हम क्या हटा रही है सरकार के, कानून ही बना दिया कि MSP नीचो खरीदो नहीं जाए तो किसान को बोलो मत ही जैसे अपने आप ही। और नाव ले भाई MSP भी खरीदा हाथ को नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ, कह देते हैं लेकिन लाने के बाद में किसान के किराया भी लग जाता है। हम लोग ले आते हैं फसल को और यहाँ आते हैं तो उनका तो यही धांधली वाला काम है भाई। जैसे मान लो एक ही क्वालिटी का, हम एक ही रास बोलते हैं, हम एक डेयरी उसमें से 10 क्विंटल सेलेक्ट करते हैं, बाकी क्विंटल रिजेक्ट कर देते हैं कि ये तो हम तो नहीं खरीदेंगे। और फिर क्या है कि इनके 10 क्विंटल के पैसों के लिए 4-4 महीने, 2-2, 3-3 महीने, मतलब वैसे वेट करना पड़ता है किसान को, क्या करेगा किसान। हम लोगों को मारने का काम अब किया है मोदी जी ने, तो पहले तो हमको ये कहा था कि आपको पानी देंगे राजस्थान में फुल, हम पानी के चक्कर में ये बाबा जी MP बन के गए हमारे यहाँ से, ये MP जिंदगी में नहीं बनते, लेकिन मोदी जी ने हमको विश्वास दे दिया कि आपको पानी देंगे, भाव देंगे, सब कुछ, खुशी का दिन नहीं, खुशी का दिन ये दिया। ये काला कानून 3 लाए इसमें मर गए, आज हमारी हालात ख़राब हो गई, अब बस हर किसान रोड पे है, सब किसान मर गए इस कोरोना से। तो ये मानो रोज़ हमारे गांव में एक दो रोज़ मरता है, हर गांव में एक दो रोज़ मरता है, कोई भूख से मरता है, कोई पैसे मांगने वाले से मर जाता है, उधर से कोई बड़े पैसे वाले सताते हैं इसलिए मर जाते हैं किसान, उधर से बैंक वाले सताते हैं, उधर सहकारी वाले के हमको दो, बैंक वाले के हमको दो, रोज़ हमारे एक दो जरूर मरता है हमारे। लेकिन यहाँ की कोई संख्या ही नहीं देते भाई किसान क्यों मर रहे हैं, कोई कर्जे से मर रहा है, कोई वो से मर रहा है, लेकिन हमको तो ये सरकार आने के बाद में हकीकत बात है बहुत परेशान हो गए। अब क्या करेंगे, कोई जैसे दूध है तो पानी के भाव बिकता है, खेती का जो अनाज है वो धूल के भाव बिकता है, क्या करेगा किसान, ऐसे बड़ी मुसीबत में जी। बच्चों की पढ़ाई भी कई बार तो क्या है, उच्च जैसे ऊपर अपर क्लास हैं, अपर क्लासों का खर्चा तो हम सहन भी नहीं कर सकते हैं भाई। छोटे बच्चों का तो चलो हमारे गांव में कोई छोटी मोटी स्कूल है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अपर क्लास में या कॉलेजों में बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, पैसे जब है नहीं पॉकेट में, पैसे हो तभी तो पढ़ाई होती है ना, इसलिए क्या करें, किसानों की तो बहुत दयनीय स्थिति है। फिर क्या है कि सुविधा है नहीं भाई, मेरा गांव 35 किलोमीटर है, वहाँ से बच्चे किराया भाड़े भी तो लगता है, यहाँ सीकर में आओ फिर कॉलेज में एडमिशन कराओ, आजकल प्राइवेट कॉलेजों में फीस दुनिया भर की हो गई। हमारे 4-5 ग्राम या तहसील ऐसी हैं सीकर ज़िले में, उनमें पीने का पानी नहीं है, हम तो एक बोतल आती है वो लाते हैं, कोई कोई तो हमारे रात को हम 5-5 दिन तक बिक नहीं रह जाते हैं, पानी की हालात हमारी ये है। फिर हम ये कैसी फसल हो जाती है हमारे, कैसे ऊपर से जो बारिश होती है उस बारिश की फसल होती है उसको कोई लेता ही नहीं है, कोई बाजरा खेती बाहर फेंको, MSP नहीं है,
दोनों सरकार हमारे साथ में खेल बना दिया किसान को, तो ऐसा कर दिया कांग्रेस और भाजपा ने दोनों नहीं मिल करके किसान को मार दो, किसान को मार दो। बिजली की रेट बढ़ गई, इधर हर चीज़ की रेट बढ़ गई, हमारे खाद की रेट बढ़ गई। आज DAP इकट्ठा 1250 रुपये 50 किलो का आता है, 1250 रुपये कौन दे सकता है, बीज सकता है। हर चीज़ का इतना भाव बढ़ा दिया जिसका आदमी हम बेचने के लिए हमारे कोई भाव नहीं। किसान की बहुत बुरी हालत है, न किसान के पास पानी है, न खेती है, न जमीन है, कर्ज में डूबा हुआ है किसान है, कर्ज माफी है, किसान कार्ड का लोन है, कर्जे से डूबा हुआ है, रोज किसान आत्महत्या करने के लिए मजदूर है। आज प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, किसान अपने बच्चों को अच्छी सी पढ़ाई नहीं दिला सकता, अच्छी इलाज नहीं करा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छी तरह से घूम नहीं सकता, अच्छे अपने मकान नहीं बना सकता, अपने बच्चों की शादी तक नहीं कर सकता। इसलिए किसान की मजबूरी है कि देश का किसान इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से मजबूरी में किसान ने ये आंदोलन हथियार है, और ये आंदोलन जब तक सरकार किसान को अन्नदाता को अपने अधिकारों की छूट नहीं देगी, फसल की छूट नहीं देगी, बेचान की छूट नहीं देगी, खेती करने की छूट नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार को तो सुनना पड़ेगा, यदि हमारी एकता यदि मजबूत है तो सरकार को बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो सरकार को तो झुकना, लास्ट में तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे मोदी जी कुछ भी कोई भी कोशिश कर लें, ऐसे सरकार बचेगी नहीं। ये तो कृषि प्रधान देश है, एक मिनट साइलेंट, ये तो कृषि प्रधान देश है, खेती से हमारा काम चलता है, इसी से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसी से हमारा सब कुछ होता है। यदि सरकार को हम क्या करेंगे भाई, सरकार को चुनते हैं तो हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए चुनते हैं भाई, अच्छी सरकार आए, और यहाँ ऐसा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। सरकार तो किसानों के कुछ भी नहीं सुनते है जी, यूँ समझाओ। नहीं, कानून तो वापस होंगे, पक्का होंगे, 100% होंगे, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये जिस प्रकार केंद्र सरकार के मंत्री जी बोल रहे थे कि ये आंदोलन जो एक राज्य का है, तो आज इस महापंचायत में आकर ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो किसान और युवा इकट्ठा हुए हैं, ये केंद्र सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। जब खेती पर संकट आता है तो गांव में केवल एक किसान के लिए संकट नहीं आता, वहाँ अन्य कारोबार भी जो है उन पर भी संकट आता है, जहाँ डेयरी का कारोबार है, पशुपालन का कारोबार है, उन सब पर संकट आता है। और जो यहाँ आज आप महापंचायत में जो भीड़ देख रहे हो, वो भीड़ इसीलिए है, आज जो लाखों की भीड़ हर महापंचायत में हो रही है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो UP में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, तो वो दर्द है, और दर्द किसान का इसलिए दर्द है कि आने वाला भविष्य अनिश्चित काल में है। आज गवर्नमेंट कभी भी कोई सा कृषि कानून ला रही है, जब कोरोना जैसी महामारी में किसानों ने पूरे देश को खिलाया, किसानों ने अपना पूरा घर बार खोल दिया, अपनी धान की कोठियां खोल दी अन्य लोगों के लिए, तो उस ऐसे कोरोना काल में गवर्नमेंट ऐसा प्लान लाई है जिससे किसान और खेती दोनों खत्म होने की कगार पर है।